आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके रवि सर बहुत पीछे पड़े थे, सर ये प्लीज लेक्चर मुझे कर लेने दीजिए। देखिए रो भी रहा है, रो नहीं रवि, रो नहीं, ठीक है, बहुत दर्द है मुझे पता है। तो वही है कि लेकिन मैंने कहा कि ये लेक्चर मैं करूंगा। तो बाकी तो आज NLP के कोर्स की लास्ट डेट है, तो आप उसको जरूर अवेल करें। आप भैया बहुत सारी कॉल आई है, दिखा दो विनय भैया इनको कॉल रिकॉर्ड दिखा दो कितनी, कि सर प्लीज एक दिन और एक्सटेंड कर दीजिए। तो आप ही के ही कहने पे हम एक्सटेंड करते हैं भाई, ठीक है। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं सर एक्सटेंड ही होता रहता है, आप बोलते हो इसलिए हट हट। तो भाई तो अभी क्या है, इंडिया जो है कल, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 2035 तक हम स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे और 2040 तक हम फी करके एंग्री बर्ड की तरह चले जाएंगे चांद पे, मून पे। ओके, तो अच्छी बात है। क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होता है, प्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, शिप्स के लिए पोर्ट होते हैं, वैसे ही स्पेस में होते हैं स्पेस स्टेशन, ठीक है, जिसमें रॉकेट से जाते हैं मस्त हमारे एस्ट्रोनॉट्स और इधर उतर जाते हैं स्पेस स्टेशन में, रहते हैं, खाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आगे जाके बेस बनेंगे जो हम फ्यूचर एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है, पूरे अंतरिक्ष को। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट होता है बहुत सारे, बायोलॉजिकल, मैथमेटिकल, सब कुछ कि कैसे, मतलब बहुत कुछ देखा जाता है यहां पे, फिजिकल साइंसेस का एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये स्पेस स्टेशन बेसिकली अभी तक दो, एक तो चाइना ने बनाया है तियांगोंग, ये 2021-2022 मतलब दो साल पहले ही बनाया, और चाइना ने जो ये स्पेस स्टेशन बनाया ये काबिले तारीफ है क्योंकि किसी देश ने मदद नहीं की, तो इनकी स्पेस एजेंसी ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2021 में बनाया, एक तो चाइना ने। फिर उसके बाद 1998 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक है। अब इसमें एक तो नासा है, जापान जैक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, और एक और है मैं भूल गया, ठीक है, कौन कौन है एक याद आ रहा है, हाँ अरे रशिया, रोसकॉस्मोस, ठीक है रशिया है। तो इन्होंने बनाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अब ये दो स्पेस स्टेशन है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 तक खराब, मतलब वही होता ना कि एक बिल्डिंग की भी एक टाइम होता है, एक स्टेशन का भी टाइम होता है, बहुत पुराना है भैया, तो अब हमको इसको रिनोवेट करने की जरूरत है। तो आप स्पेस पे तो जाओगे नहीं रिनोवेट करने, तो इसको खत्म करके वापस एक भाई लैंड करा दे, भाई लैंड करा देंगे ये, ठीक है, धरती पे आ जाएंगे। तो धरती मेरी मां है, लेकिन उससे पहले 2023 चल रहा है ना बे, और 2031 तक बहुत सारे ढेरों स्पेस स्टेशन लॉन्च किए जाएंगे, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज लॉन्च करेंगे, स्टार लैब्स हो गया, हेवन हो गया, ढेरों प्राइवेट कंपनी ले बे स्टेशन, ये लो स्पेस स्टेशन, ये लो स्पेस स्टेशन, खूब सारे स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप स्पेस सेक्टर में करो, क्योंकि भारत का स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा, $22 बिलियन का ऑलरेडी हो गया, ये 8% इसकी पूरी भागीदारी है हमारी इकोनॉमी में, और आगे में भी, क्योंकि देखिए जो भी होगा ना, जो भी स्पेस, इसरो ने जो चंद्रयान 3 सक्सेस किया ना, ये एक नए युग की शुरुआत है, ऐसा कभी भारत ने या दुनिया ने नहीं देखा था, जब करोड़ों लोग बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और हमने 2-3 दिन तक इसकी बात की है, तो ये भारत के लिए ऐतिहासिक है। और हम जितने ऐसे सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करेंगे उतने ही जो है वो उम्मीद बढ़ेगी। तो अब प्राइवेट, जाहिर सी बात है इसमें प्राइवेट, बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ने वाली है, और ये लगातार बढ़ती भी जा रही है। जैसे अमेरिका में तो एक बहुत, भाई एलॉन मस्क यही स्पेस भेज भेज के ही तो स्पेसएक्स अपने जो रीयूजेबल थ्रस्टर्स हैं उनको भेज भेज के इतने अमीर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो आप भी बन सकते हो, बस पढ़ना शुरू करो, दिमाग लगाओ। तो अब 2035 का टाइम है, और नरेंद्र मोदी ने यह भी बोला कि 2040 तक हम मून पे होंगे, हम चांद पे होंगे, चांद पे हम लोगों को भेजेंगे, अच्छी बात है। आर्टेमिस मिशन इधर नासा का भी है, लेकिन दोस्तों एक जो मुझे बहुत पर्सनल लगता है, एक बहुत बड़ा खतरा है स्पेस पे, भेजते तो सब जा रहे हो, भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, इधर भेज दो, इतना ज्यादा स्पेस जंक जमा हो रहा है ना, मतलब आपको लगता है धरती ऐसी दिखती है, आह क्या बात है, ये 1970 ये ऑर्बिट है, ठीक है, लोअर अर्थ, मीडियम अर्थ, ये हमारी प्यारी अर्थ है, ये ऐसी दिखती थी ना,
लेकिन अभी ये एकदम ऐसी हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है लेकिन ये कुछ ऐसा है, मतलब यहां पे इतना ज्यादा कूड़ा है ना, इतना ज्यादा कूड़ा जमा है, स्पेस जंक जिसको बोलते हैं, मतलब अगर आप देख लोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे, आप जाओगे नहीं स्पेस पे। आपने वो ग्रेविटी मूवी देखी है? और ये देखिए, ये स्पेस का कूड़ा ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है, अब इतनी सारी सैटेलाइट, कभी स्टारलिंक लॉन्च कर, एलन मस्क कभी लॉन्च कर रहे हैं, कभी इसरो, कभी नासा, हर कोई सैटेलाइट जो है, और सैटेलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, हर कोई लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट एक दूसरे से कई बार टकरा भी जाते, क्योंकि इतना ऑलरेडी वहां पे भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये क्या है, अब जैसे धरती में अगर आप कोई कचरा फेंकेंगे, उसको रिसाइकल कर लीजिए, जला दीजिए, ऊपर क्या करोगे, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। रशिया कभी कभी अपनी सैटेलाइट खत्म कर लेता है, वो कचरा घूमता रहेगा। तो एक ये भी बहुत 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 बड़ी दिक्कत है स्पेस में, जो स्पेस जंक है, जैसे ओशन में है ना इतना सारा कचरा, कबाड़, प्लास्टिक जो हमने डाला है, वैसे स्पेस पे भी है। तो स्पेस को भी हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन हमारी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको तरक्की करनी है, एडवांसमेंट, क्यों, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सैटेलाइट, आज सैटेलाइट ने कितनी ही समझ लीजिए कि, मतलब जब विक्रम साराभाई से पूछा गया कि ये सैटेलाइट क्या करेगी, तो उन्होंने बोले फ्यूचर है बेटा, ड्रॉट से लेकर, मौसम से लेकर, सब कुछ सैटेलाइट ही तो बताती है कि आज इधर भूकंप आने, भूकंप नहीं सॉरी, इधर आज तूफान आने वाला है, इधर कुछ आने वाला है, इधर सूखा पड़ने वाला है। तो सैटेलाइट तो वाकई बहुत जरूरी है, हमारा टीवी से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक सब सैटेलाइट पर ही टिका है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और इसरो जो है वो स्पेस को पूरा का पूरा देखता है। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, लंबा टाइम है, जल्दी हो सकता है जल्दी भी लॉन्च कर दे, लेकिन अभी 12 साल है, और 12 साल से पहले बहुत सारे स्पेस स्टेशन, अभी ये आपको बहुत एक्साइटिंग न्यूज लग रही होगी, बट इसी बीच ढेरों स्पेस स्टेशन लॉन्च होने वाले हैं, प्राइवेट एजेंसी, फिर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा, सरकार अपने अपने स्पेस स्टेशन, अभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था भाई 1998 में, 1980 से इस पे काम चल रहा है, बट 1998 में उसको लॉन्च किया, तो अब उस समय मजबूरी थी, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो सारे के सारे देश साथ में आए, बट आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो अब नासा अपना स्पेस स्टेशन अलग लॉन्च करेगा, ठीक है, रशिया अपना स्पेस स्टेशन अलग, चाइना का है ही ऑलरेडी, जापान अपना लॉन्च करेगा, इंडिया अपना लॉन्च करेगा, सब अपना अपना लॉन्च करेंगे, जो कि ठीक भी है कि भाई इतने लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे, अलग अलग रहो, क्या दिक्कत है, बढ़िया है भाई, एक होटल से होने से अच्छा 10 होटल बना लो, है ना, अच्छी बात है। बट अगेन दिक्कत ये कि जो स्पेस जंक, इसको कैसे हम डील करेंगे। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, बाकी आप हमारे NLP के कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बंद करो भाई, थैंक यू सो मच।